हाथरस कांड के बाद से ही लगातार फरार चल रहे नारायण, साकार हरि और भोले बाबा के बारे में एक नई अपडेट आई है। ये फर्जी बाबा छुपा हुआ कहाँ है ये तो उसके वकीलों ने नहीं बता दिया, जबकि ये बता दिया कि उसके शरीर में बीमारियां कौन कौन सी छुपी हुई हैं। इस फर्जी बाबा के फर्जी वकील ने बताया है कि उनको जानलेवा बीमारियां हैं, इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। निर्भया के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील एपी सिंह का कहना है कि वो ना सिर्फ बीमार हैं बल्कि उनकी किडनियां भी खराब हैं और तो और वो बीपी और डायबिटीज के भी मरीज हैं। अभी यहाँ मजेदार बात यह है कि ये वो फर्जी बाबा है जो क्रिश्चियन मिशनरीज की तरह ही हीलिंग प्रोग्राम भी चलाता है। इस बंदे ने अपने यहाँ बाकायदा नल लगवा रखे हैं और इसके चमचों का क्लेम है कि उन नलों से नहाकर आप बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हो। अब यहाँ कोई भी इसे हिंदू धर्म से ना जोड़े क्योंकि ये हिंदू बाबा नहीं है, इसने एक फर्जी धर्म भी बना रखा है जिसका नाम है मानव धर्म, और तो और इस बंदे ने अपनी फर्जी आती भी बना रखी थी और इसी तरह के बहुत सारे फर्जी वाड़े से जुड़े फैक्ट बताए हैं आज अमिताभ अग्निहोत्री ने। साथ ही साथ अखिलेश यादव और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जमकर इन्होंने रगड़ा कि आखिर क्यों वो इस फर्जी बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे जैसे बाकी बाबाओं के खिलाफ हमेशा से बोलते रहे। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। जोशी जी के पास चलूं, उससे पहले बाबा का एक वो बता दूं लेटेस्ट डेवलपमेंट। जोशी जी, बड़ा रोचक माहौल है इस भारत में। बाबा ने अपने कासगंज आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप लगवाए हैं अलग अलग, दो दो फुट की दूरी पर। मैंने भी देखे, बोले ये कैंसर का हैंडपंप है, ये एड्स का है, ये फलाने का है, ये डायबिटीज का है, जो बीमारी हो वहीं से पानी पी लो उसी हैंडपंप से। समझ रहे ना जोशी जी? अब उनके वकील कह रहे हैं एपी सिंह कि भाई बाबा की सब तबीयत खराब है। पूछा क्या हो गया, बोले हाइपरटेंशन, हाई ब्लड शुगर और किडनी में प्रॉब्लम। क्या सवाल ये कि बाबा अपने यहां जो हैंडपंप लगवाए थे उनका पानी नहीं पिए? मतलब ड्रामे कोई लिमिट नहीं रखो गया? नहीं, दुनिया से कह रहे पानी भर लो, हमारी चरण रज ले जाओ। अरे अपनी रज खुद ही लगा लेते, माथे पे खुद तो दुरुस्त हो जाते, खुद सही हो जाते। नहीं खैर, लेकिन जोशी जी आपकी पार्टी ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या रिकॉर्ड कायम कर दिया? पूछिए क्या बाकी सबने, किसी ने कहा बाबा गिरफ्तार करो क्या? लेकिन आपकी पार्टी ने ऑफिशियली कहा कि बाबा की गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं। लाखों लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा की गिरफ्तारी का क्या मतलब है? दोनों राष्ट्रीय पार्टियां के बड़े चेहरे हाथरस हो आए, अलीगढ़ हो आए, भाजपा और कांग्रेस, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, लेकिन सपा और बसपा ने दूरी बना ली। बोले ना गुरु, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जोशी जी कुछ तो मामला है। एटा, इटावा, अलीगंज, कासगंज, फरुखाबाद है, ये जो इलाका है सब वोट बैंक का खेल है भैया। वही सीता को बुंदेलखंड में कहावत, वही सीता को माई को वही रावण की गैल। क्या आपकी भी जमा पूंजी वही है उसी इलाके में और वही बाबा का खेल है? जोशी जी, अमिताभ जी, जब ये प्रकरण हुआ सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता और देश की तीसरी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ये कहा कि ये योगी सरकार का फेलियर है, ये फेलियर है प्रशासन का, ये फेलियर है इनके प्रशासन का। इतने लोग, 121 लोग, ये अभी जबकि मैं इसको अधिकृत आप मीडिया कह रहा है, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर जूते चप्पल बच्चों के दिखाए जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, वहां के लोग बताने का काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कई हजार लोग इसमें चले गए। लेकिन अब रिकॉर्ड तो अभी 121 का ही आया सरकार की ओर से, तो या मीडिया की ओर से जो आ रहा है, तो क्या सरकार अपने जवाबदेही से बच पाती है? और अभी चित्र चलने की बात हो रही थी कि किसी भी कार्यक्रम में किसी का चित्र चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं था, हम तुम तो सवालों से बचते नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं देख पा रहा था सोशल मीडिया पर आसाराम बापू जी से माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कितने नजदीकी संबंध रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आसाराम बापू का कैरेक्टर मोदी जी में आ गया है। और देख पा रहा था मैं राम रहीम को कितनी अभयदान भारतीय जनता पार्टी ने दिया, अभी भी पैरोल पे चल रहे हैं। बाबाओं के सरगना कौन है, कौन सी राजनीतिक दल है, ये तो किसी देश छुपा नहीं है। हमने ये कहा ही नहीं, हम तो पिछले 2-3 दिन से सरकार की, शासन की, कलेक्टर की, कप्तान की, आईजी की, डीआईजी की, सबकी कमियां बताई रहे हैं जोशी जी। लेकिन हम आपसे सुनना चाह रहे हैं बाबा की कोई कमी है कि नहीं, उस पर भी तो बोलो। आपकी पार्टी के जो 3 सबसे बड़े नेता हैं उसमें से एक नेता ने कहा बाबा गिरफ्तारी का किसी बात कर रहे हो, क्या मतलब है? पहला बड़ा पॉलिटिकल लीडर जिसने बाबा को क्लीन चिट दी,
मैं सवाल ही कर रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा अखिलेश जी ने सबसे हृदय विदारक घटना पर सबसे पहले बोले, बड़ी अच्छी बात। मैं समझना यह चाह रहा हूं कि 123 लोग उत्तर प्रदेश में बहुत बार तो मरे नहीं, क्या दो चार महीने मर जाते हैं 123 लोग, ऐसा तो है नहीं। ये ऐतिहासिक किस्म की दुर्घटना है, क्या अखिलेश जी को जाना नहीं चाहिए था वहां, जो लोग मर गए उनके परिवार के आंसू पोंछने? क्या मायावती जी को नहीं जाना चाहिए था? और ये जो मरे हैं ये सब पीडीए है जोशी जी, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। दूसरे लोग बच के बोलेंगे, मैं तो बच के नहीं बोलता, क्या नहीं जाना चाहिए था? क्या ये मामला केवल एएनआई ट्विटर से फटियाने वाला है, बोले हमने ट्वीट कर दिया देख लो? नहीं, अगर हम जनता के सेवक हैं तो हमको जाना चाहिए, पाओ पाओ उनकी गली में जाके तो देखो। खैर नावेश जी को मसला क्या है, सब वो बच बच के खेल रहे हैं, सब जानते हैं क्या, लेकिन बच बच के खेल रहे हैं। बाबा का खौफ है, उसके पीछे भीड़ का खौफ है, या उस वो जो भीड़ किस वर्ग की है उसका खौफ है, उसका खौफ है क्या? मसला क्या है? इलेक्शन का मसला है, पीडीए का मसला है, लोचा क्या है? सामान्य लोचा तो नहीं है। मैं ये बात नहीं करता, मैं जोशी जी से सहमत हूं, किसकी फोटो किसके साथ, इस बहस में मैं कभी नहीं पड़ता, ये सब फालतू बात है। किसी की भी फोटो कहीं भी हो सकती है, वो कोई विषय नहीं। जो लोग राजनीति करते हैं वो किसी के भी निमंत्रण पर जाते हैं, ठीक, लेकिन सब पार्टी बाबा के खिलाफ एफआईआर इस बात पर मौन है। क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने आकर कोई ऐसा बयान दिया है? क्योंकि मैं कई बार आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो लाइन है वही पार्टी की लाइन होती है, और माननीय अखिलेश यादव जी कभी लाशों की राजनीति नहीं करते, माननीय अखिलेश यादव जी जनता के साथ खड़े रहते हैं। ये सचमुच हृदय विदारक घटना है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम कहते हैं जांच हो, और अगर बाबा भी इसमें दोषी है तो सजा मिले। ठीक है जोशी जी, ठीक बात। राघवेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन तीन बातें कहूं। मैंने कल इसी पर बहस की थी, तो कल ये जो तीन नैरेटिव चल रहे हैं ना पूरे देश भर में, राघवेंद्र बाबू, मैंने इनको ध्वस्त कर दिया था तीनों नैरेटिव का। कॉमनली सब में चल रहे हैं, सभी लोग उनका सहारा ले रहे हैं कि भाई ये कल एक पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो हमारे शो में थे, वो कह रहे थे कि जब तक जांच ना हो जाए पूरी तब तक कैसे दोषी कह दें, कैसे एफआईआर लिख दें। मैंने उनको आईना इतना बड़ा दिखा दिया, वो झेप गए, क्या दो गिलास पानी पी गए, बोले भैया हमें बख्शो। नावेद बाबू, जब अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरा तो मैं वहां था एक पत्रकार के नाते, ठीक। लालकृष्ण अडवाणी, एचबी शेषाद्री, रज्जू भैया, के एस सुदर्शन, अशोक सिंगल, ओंकार भाबे, क्या ये लोग कोई कुदाल लेके गुंबद पर नहीं चढ़े थे? चढ़ भी नहीं सकते थे, गिर पड़ते तो हाथी पर टूट जाते बुढ़ापे में, क्या? राजमाता सिंधिया, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, ये सब लोग काफी दूरी पर एक छत पर थे एक भवन की, ठीक, वहां से माइक से अनाउंस कर रहे थे कि भाई गुंबद मत तोड़ो, छोड़ो, छेड़ो, क्या? उसके बाद अगली सुबह जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो ये सब नेम्ड हो गए और इनको गिरफ्तार करके माता टीला में बुक कर दिया गया, जांच हो गई थी। एक सिपाही था उसका नाम था हनुमान प्रसाद, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी, ठीक। हमारी स्मृति बड़ी तेज है दोस्त, अब जांच हो गई थी नहीं ना? इनको किसी ने कुदाल लेके कूदते देखा था? नहीं, क्यों गिरफ्तार हुए थे? इन्होंने कहा तोड़ो? नहीं। इन्होंने लोगों को बुलाया? इन्होंने आयोजन की एप्लीकेशन दी? नहीं। ये जितनी बातें बाबा के बचाव में कही जा रही है ये सारी बातें मैंने ध्वस्त कर दी थी अयोध्या को उदाहरण देके। अडवाणी जी के दस्तक से एप्लीकेशन गई थी? नहीं। जोशी की दस्तक से गई थी? नहीं। फिर आप बाबा को बचाना चाहते हैं तो बुद्धिमान लोगों को तो लाइए, कम से कम जो तर्कपूर्ण बात करें। गुड़गोबर सब लोग राजनीतिक दल कर रहे हैं, और एक जोशी जी की पार्टी ने तो खारिजी कर दिया कि बाबा गिरफ्तारी कोई मतलब ही नहीं, लाखों लोग उनके भगत हैं। मतलब जिसके लाखों लोग चेले हो वो मौज में रहे, क्या? बाबा की फौज करेगी मौज। अखिलेश जी के पास मेरे ख्याल से 36 कमांडो होंगे, नावेद भाई एनएससी है उनके पास, 36 से ज्यादा तो नहीं है। बाबा के पास, ये पीडीए का ज्यादा बड़ा चैंपियन है, बाबा के पास 100 कमांडो है, 100 ब्लैक। जोशी जी ये आपसे बड़ा है, इसके पास 100 है, और 5000 की नारायणी सेना है। आपके साथ जितने जिंदाबाद करने वाले लोग निकलते उससे कई गुना ज्यादा, 5000 की तो सेना है नारायणी, नावेद भाई। और एक महिलाओं की सेना अलग बनाई है, वो बाबा के स्पेशल रिंग में रहती है। ले गई भैंस पानी में, मतलब अब बाबा महिलाओं की शरण में रहेंगे, मतलब बाबा महिलाओं की सुरक्षा में रहेंगे। वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि पुलिस कहीं उन्हें उठा ना ले, पुलिस कहीं उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए महिलाओं की भीड़ के पीछे
छुप जाओ महिलाओं की आड़ में, दुबक जाओ बचे रहोगे। और अभी तो इसी तरह के कई और सारे बहाने भी अभी और आने बाकी। मेरे हिसाब से योगी बाबा को इस मामले में डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए और बाबा को भी इस मामले में लपेटना चाहिए, क्योंकि आखिर उनकी वजह से ये हादसा हुआ। और अगर उनकी वजह से नहीं भी हुआ है, तब भी ये हादसा जब हुआ था तब उन्हें वहां रुकना चाहिए था, अपने भक्तों को दिलासा देना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, पर वो भगोड़ों की तरह ना सिर्फ भागे बल्कि उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए, जो कि मेरे हिसाब से क्राइम है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, नमस्कार, जय।